गाइस मैंने गरम तेल में प्याज डाला, उसके बाद फिर मैंने आलू को हल्का सा गरम तेल में फ्राई करा, उसके बाद मैंने बाकुले डाल दिए थे। अब मैं इनको थोड़ा सा जब तक ये मतलब लगा लीजिए आप कि जब तक बाकुला 50% कुक हो जाता है तब तक मैं इसको तेल में फ्राई करूंगी। उसके बाद फिर मैंने ये मतलब मिनिमम 2 गांठ लहसुन की होगी ये, मैंने इसको सिलबट्टे में पीस लिया है। अब मैं इसमें धनिया, हल्दी, लाल मिर्च ये डालूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको फिर से तेल में फ्राई करूंगी। ये सब्जी ज़्यादातर मतलब पानी में नहीं पकती है उतनी, ये सब्जी तेल और मसाले में ही पकती है गाइस, और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। प्याज जिस टाइम मैंने काटा था बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था आँख में पिरेन टाइप की हो। अब मैंने लहसुन पीस लिया है अच्छे से सिलबट्टे पे और अब मैं इसको निकाल दूंगी ये प्लेट पे और मतलब जो मतलब ऐसी खास खास सब्जियां होती है गाइस मैं वो मतलब जब मेरे हस्बैंड आते हैं मैं तब भी बनाती हूँ। तो यो मेरा बन चुका है ये मसाला, मसाला देखिए मैं डालूंगी इसमें और हम इसको फिर से और भून लेंगे। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ गाइस आलू बाकुले और प्याज की सब्जी, और आप लोग कैसे बताते हैं वो मुझे बताइएगा ज़रूर, लेकिन मतलब इतना यकीन मानिए आप लोग कि ये बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई का तो एक अपना ही स्वाद होता है। और अब मैं इसको जब तक इसका मसाले से मसाला तेल नहीं छोड़ देता तब तक मैं इसको ढक्कन से कवर करके रख दूंगी। तो गाइज ये थी मेरी आलू बाकुले की सब्जी। अब मैं इसको थोड़ा जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता तब तक मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको हल्का सा मतलब थोड़ा सा मतलब इत्तू सा पानी डालूंगी जिससे कि मतलब सब्जी एक लेयर जैसी बन जाए, मतलब क्या कहते हो लटपटी एक दूसरे से चिपक जाए ये वाली। तो अभी गाइस बज चुके हैं 8:03 और देखिए ये है हमारे गांव का नज़ारा, जहां ढेर सारी ऊपर को दिख रही हैं आपको बत्तियां, वो हमारा गांव नहीं आता है, वो है आपका लमगड़ा साइड को, मतलब पता नहीं कुछ कहते हैं उसका नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इसका अभी फ़िलहाल। और ये है हमारा नीचे, ये है हमारा प्रॉपर गांव, हम गांव से बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं गाइस, मतलब गांव बिल्कुल बहुत मतलब जितना मैं रोड से नीचे आती हूँ उतना मतलब थोड़ा उससे थोड़ा सा और ज़्यादा होगा गांव नीचे। गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार। तो गाइस ये देखिए मेरी सब्जी तेल छोड़ रही है और हरे प्याज की पत्ते की खुशबू इतनी अच्छी आती ना बहुत ज़्यादा, आज तो मुझे लग रहा है कि मैं एक आध रोटी ज़्यादा ही खा लूँगी इसके साथ, खुशबू इतनी अच्छी आती ना इस सब्जी की क्या बताऊँ मैं आपको, क्योंकि बाकुला होता है इसमें, हरा प्याज होता है, उसका कहना ही क्या, मतलब बहुत टेस्टी सब्जी आती है। अब मैं गूँ लूँगी इसके बाद आटा, थोड़ा आटा मेरा सुबह का बचा है और इसके बाद मैं थोड़ा आटा गूंदूंगी, इतना आटा मेरा बचा है गाइस, अभी मैं आटा गूंदूंगी, होने को वैसे और टाइम मेरा आटा नहीं बचता है लेकिन आज सवेरे मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा आटा ज़्यादा गूंद दिया था तो फिर इतना आटा बच गया है। और अब मैं इसके बाद आटा गूंदूंगी क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख, मेरा बेटा कह रहा था मम्मी जल्दी बनाओ, तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। तो जी गाइस अभी मैं गूंद रही हूँ आटा और आटा गूंदने के बाद थोड़ा मेरे बर्तन पड़े हैं, मैं वो बर्तन को धोऊंगी। और आजकल तो गाइस मेरा बहुत बिजी चल रहा है यार, मतलब सुबह चली जाती हूँ काम हम करके पार्लर से, उसके बाद
फिर थोड़ी थकान भी लग जाती है क्योंकि अभी हैबिट नहीं है इतना भाग दौड़ करने की। तो फिर वही है, मतलब इतना रहता नहीं है कि यार ये भी करना है वो भी करना है। और इसके बाद मई, मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई या हाँ अप्रैल लास्ट लास्ट और मई फर्स्ट फर्स्ट में ही शायद हम लोग जाएं हल्द्वानी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरी भतीजी की शादी है। तो ख़रीदारी वही थोड़ा बच्चों के लिए कपड़े, अपने लिए कपड़े, हस्बैंड जी के लिए कपड़े, वही रहता है। होने को तो अभी मैंने अपनी बड़ी पौनी के बेटे के, उसमें मेरे जो छोटे भांजे हैं मित्तू, उनकी शादी में बनाए थे मैंने कपड़े बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। लेकिन वो है ज़रा, मतलब सर्दियों की शादी थी तो मतलब बेटे के लिए तो दो कोट बने थे, कोट पैंट। अब देखते हैं अगर उनकी बारात का भी है, और लेकिन बच्चों की फरमाइश है कि हम पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। क्या कह सकते हैं यार, मतलब बच्चों का तो यही है, क्योंकि मेरी दीदी का घर भी यहीं पर है नज़दीक पे ही, तो बच्चों का ये है कि हम भाई पुराने कपड़े दादा की शादी में नहीं पहनेंगे। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता रहेगा और क्या बनते हैं बच्चों के लिए कपड़े। अब मैं सोच रही हूँ इस बार मैं गर्मियों के हिसाब से ही कपड़े बनाऊँगी, क्योंकि गाइज इस बार गर्म बहुत होने वाला है, क्योंकि इतनी बारिश हुई नहीं है, बारिश अभी हो रही है। और देखते हैं तब तक का मौसम क्या रहता है। लेकिन मैंने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मेरे को मतलब हस्बैंड जी के लिए और अपने बेटे के लिए किस हिसाब से कपड़े बनाने हैं, तो मैं उस टाइप के ही कपड़े बनाऊंगी जो मैंने मेरे दिमाग में चल रहे हैं। और क्योंकि हर शादी में एक ही फैशन अच्छा लगता है ना, जैसे हम औरतों को ही होता है कि भैया एक शादी में हमने इस कलर का लहंगा लिया है, इस डिज़ाइन का लहंगा लिया है, तो अगली शादी में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो उसी हिसाब से मैं देखती हूँ क्या रहता है मेरा, और मैं जो भी लूँगी, जो मैं ख़रीदारी करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे व्लॉग में आप अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे रस्मों की वो देखेंगे। अच्छा लग रहा है मुझे अब, मतलब मुझे लग रहा है कि ये मेरा काम है, और मतलब मुझे वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है, आपके साथ बात करना पसंद आ रहा है। और जब वीडियो नहीं बन रही है तो उस दिन मुझे थोड़ा रह भी जा रहा है कि यार मन में आज मैंने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि काम कोई भी हो गाइस, जब हम करते हैं तो हम उस काम से मतलब जुड़ जाते हैं, एक लगाव जैसा हो जाता है उससे। तो मुझे भी अपने काम से लगाव है, ठीक है रिस्पॉन्स कम भी आए लेकिन आ रहा है, तो मतलब दिल में तसल्ली है कि काम को लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। अभी इतना टाइम मुझे हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही प्रोसेस होगी। और जितना भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, जितनों ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब करा है, और मतलब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू हूँ, थैंक्सफुल हूँ यार आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आगे को मेरी आप डांस की वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि भाई भतीजी की शादी है तो डांस थोड़ा धमाकेदार, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रही हूँ मैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने कोई तैयारी, कोई मतलब अपनी प्रिपरेशन नहीं करी है, क्योंकि अभी टाइम है ही करके ना, जून है ही, फिर जून अभी लेट है, लेकिन जून मतलब दूसरे हफ्ते में है हमारे घर में शादी। तो देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मित्तू की शादी में मैंने ज्वेलरी व्लरी ली थी, लेकिन फिर वही है, ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी भी चेंज हो जाती है। मतलब मैं तो आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ, बच्चे के लिए, बेटी के लिए ली थी जो मैंने, तो उसको उसके हिसाब से, ड्रेस के हिसाब से लूँगी सही। और देखते हैं उस टाइम पे हस्बैंड की अगर छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो फिर थोड़ा आराम से रिलैक्स होके या तो हल्द्वानी रहेंगे या फिर मेरे मायके भीमताल रहेंगे। तो जब मैं भीमताल जाऊँगी तो तब आपको दिखाऊँगी कि मेरा मायका कहाँ पर है, क्या है। और जी आ गया है हमारा भेटुली का महीना, मेरे मम्मी और मेरे पापा
आएंगे मुझे भिटुली देने के लिए, और जिस दिन वो भिटुली देने के लिए आएंगे मैं उस दिन भी आपके साथ अपना वीडियो शेयर करूंगी, मेरे पापा मम्मी मिले क्या लाए हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइज ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मेरे बच्चों को लग रही है भूख और मेरे पड़े हैं अभी बर्तन, तो फिर मैं इसके बाद बस अपनी बातों को यहीं पे फुल स्टॉप करते हुए, पहले मैं धोऊंगी बर्तन, तब तक का आटा सेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अपनी कल नई वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय।